नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। 22 अगस्त को शिमला सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए राहत अभियान को कैसे तेज गति से किया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अवैध खनन को रोकने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। और प्रदेश में अभी तक जो है आपदाओं में 341 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 327 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा ने। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आप देखें इंडिया न्यूज। हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे प्रदेश में अत्यधिक नुकसान हुआ। यदि हम बात करें शिव बॉडी समय हिल की, तो वहाँ आज 8वें दिन भी लगातार रेस्क्यू जारी है। वहाँ पर जिस तरीके से जो मलबा अत्यधिक आया था, इसको मद्देनजर रखते हुए पॉकलैंड के माध्यम से वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 8-8 फुट से अधिक का मलबा हो चुका है। वहीं 22 अगस्त को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में खासकर देखा जाएगा जिस तरीके से भवनों का निर्माण हो रहा है, भवनों के निर्माण के एक जो मापदंड है वो तय किया जाएगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए 1980 से लेकर 1990 तक जो भवन का निर्माण अत्यधिक हुआ है, जो कि शिमला 25,000 से 35,000 लोगों के लिए बसा था, वो वहाँ पर जो आज आबादी 2.5 लाख से अधिक है, ये चिंताजनक विषय है। जिस तरीके से यहाँ पर होटलों का निर्माण अत्यधिक हो रहा है, बहुमंजिली इमारतें बन रही है, खासकर जिस तरीके से सेलेटर हाउस में जो 4-5 बहुमंजिला जो मकान गिरे, उससे अत्यधिक क्षति हुई है, वहाँ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके अतिरिक्त शिमला के अतिरिक्त जो फागली लोग या फिर हिमलैंड की बात करते हैं, जगह जगह जिस तरीके से जो बहुमंजिले इमारतें वो गिरने की तादाद में एक चिंताजनक विषय। ऐसे में जो 22 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा, उस बैठक में खासकर नदी नालों की तरफ जो अवैध खनन है उसको रोकने के ऊपर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से जो बहुमंजिला मकान, जिस तरीके से पहले 2.5 मंजिलों का मकान बनने की परमिशन दी जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से 6-6 मंजिला बन रही है, खासकर देखा गया है जो विशेषज्ञ मानते हैं जो सोलन और जो शिमला की जो इमारत है वो अधिक पक्की नहीं है, चिकनी मिट्टी है, इसके कारण कभी भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। अगर हम 24 जून से अभी तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 341 लोगों ने अपनी जाने गवाई, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके अतिरिक्त यदि हम घायलों की बात करें तो 327 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ऐसे में जो सबसे अधिक जो मौतें हुई जिला शिमला में हुई, 79 लोगों ने अपनी जाने गवाई। वहीं सोलन में सर्वाधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 79। हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी दिल्ली का दौरा किया तथा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक नुकसान हुआ। वहीं जो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व कैबिनेट मंत्री भी लगातार यही निवेदन कर रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष अत्यधिक नुकसान हुआ। यदि हम घरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो इस बार जो घरों की क्षति हुई है तो 2,208, जो कि बहुत ही अधिक है। इससे ऊपर अतिरिक्त जो आंशिक रूप से जो घरों का नुकसान हुआ 9,802। वहीं अगर देखा जाए जो दुकानों की जो क्षति हुई है 299 जो दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, वहीं जो गौशाला है 4,670। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है, उससे हिमाचल प्रदेश को अभी राहत नहीं मिली, क्योंकि जो मॉनसून है अभी एक माह और होना। वहीं 21 अगस्त से 23 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर जो अन्य जो 10 जिला है, कांगड़ा शिमला सिरमौर समेत अनेक जो क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सभी SDM को यह नीति निर्देश जारी कर दिए गए, जिनके क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है वो स्कूलों को बंद करने की अनुमति का अधिकार उन्हें दे दिया है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।